हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपना ध्यान रख रहे हैं। मैं हूँ निधि और आप मुझे देख रहे हैं निराली निधि चैनल पर। मैंने बोया की माइक ऑर्डर की थी और ये आ चुकी है। चलो आपके सामने ही इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसमें से इस तरह का एक बॉक्स निकला है। अब इसमें से निकालते हैं कि क्या है। एक पाउच है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। पाउच में से ये निकले हैं और इस तरह का माइक है। इसमें बैटरी के साथ इसमें से देखते हैं क्या है। ये एक कनेक्टर निकला है, ये क्लिप है और एक सेल है, एक ये है रूई जैसा जो शायद वॉइस फिल्टर के लिए होता है। सेल ये खोल के डलेगा, इस तरह से हमने इसको खोल लिया है और ये सेल को डालेंगे और फिर इसको यूज़ करके मैं आपको बताती हूँ। जो इस वीडियो में जो मेरी साउंड है वो इसी माइक की है। इससे पहले वाली जो आप वीडियोस में देखेंगे उसमें आप अंतर देखेंगे मेरी वॉइस में। ये एक बटन है जो ऊपर तो कैमरा के लिए यूज़ होता है और नीचे स्मार्टफोन के लिए। और यहाँ पर माइक की टेस्टिंग, इसको हम कैरियोके की तरह यूज कर सकते हैं। निधि भी अपना माइक टेस्टिंग कर रहे हैं। माइक बहुत सही है इतने बजट में। अब हम ऑर्गेनाइजर बनाएंगे, उसके लिए मैंने एक पुरानी शर्ट ले ली है और पहले जो मैंने प्रोजेक्ट किया था उससे इस तरह की दो आर्म्स बची हुई थी वो ले ली हैं। और एक ही प्लास्टिक की शीट सी है ये ही। अगर आपके पास शीट नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसके फ्रंट पार्ट काट लूँगी। शर्ट के दोनों पार्ट्स कट चुके हैं। अब हम इनको ऊपर नीचे रखकर एक अच्छे से रेक्टेंगल शेप दे लेंगे। हमारी जो प्लास्टिक शीट थी उसको भी इसके इक्वल कट कर लेंगे। ये आर्म्स वाला कपड़ा है, ये मैंने कट करके खोल लिया और अब इसमें से मैं कुछ पट्टियाँ निकाल लूँगी जो मुझे पॉकेट की तरह यूज़ करनी है। ये देखिए, इस तरह से इनको लगाएंगे। तो प्लास्टिक शीट को बीच में लगाकर अब हम इसे जॉइंट कर लेंगे। मैंने एक और कपड़ा लिया है जो मैंने पॉकेट्स की जो पट्टियाँ थी उनके बराबर इसको कट किया है। इसे हम नीचे यूज़ करेंगे। ये देखिए, हमारा जॉइंट हो चुका है बेस। जो पॉकेट्स वाली पट्टियाँ हैं उनकी राइट साइड हम एक दूसरे की तरफ रखकर ऊपर प्लास्टिक की पट्टी लगाकर और अब हम इसको सीवन देंगे ताकि फिर जब हम इसको पलटेंगे तो हमारी राइट साइड दोनों ऊपर हो जाएंगी। इस तरह से हमें इसे रखना है। मैं सीवन लगाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारी पॉकेट्स में मैंने सीवन लगा ली है तीन तरफ और अब हम इसे पलट लेंगे। मैंने सीज़र के लिए अलग से पॉकेट तैयार करनी थी। अब मैं उसके लिए कपड़ा कट कर लूँगी। उसी तरीके से मैंने तीन लेयर्स लिए हैं, एक प्लास्टिक की और दो कपड़ों वाली, जिन्हें कपड़ों वाली को हम राइट साइड को एक दूसरे की तरफ रख के ट्रायंगल शेप कट कर लेंगे। ये हमारी सीज़र के लिए स्पेशल पॉकेट बनी है और हम इसको भी सीवन लगा लेंगे। ये इस तरह से लगा लिया, अब इसे पलट लेंगे। पलटने
पलटने के बाद हम इस सभी पॉकेट्स के मुंह बंद करेंगे और ये बेस के साथ बन के फिर पॉकेट बनाएंगी। मैं आपको उससे पहले लगा कर दिखाती हूँ कि ये किस तरह से लगेगा। अब हम इनको ऊपर से सीवन दे लेंगे इस तरह से अंदर फोल्ड करते हुए। सारी पॉकेट्स के मुंह बंद करते हुए मैंने इन्हें बेस पे सिल लिया है। अब हम इसको साइड से गोट लगाएंगे और ये मैंने पीछे भी एक इस तरह की लकड़ी लगा दी है ताकि ये लड़जे ना, और एक ऊपर नाड़ा सिल के लगा दिया है। और देखिए अब हम इसमें हमारे सारे टूल्स डाल सकते हैं, और टूल्स के लिए भी मैंने इस तरह सीवन लगा ली है ताकि जिस तरह का हमारा टूल है जितनी स्पेस लेगा उस हिसाब से हम सीवन लगा लेंगे। ये हुक्स भी हम इस तरह डिब्बे में डालकर इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह हमारा सारा सिलाई का सामान एक जगह रहेगा, जहां हम सिल रहे हैं उस वहां इसे टांग लें और फिर देखिए कितना आसान हो जाता है हमारा काम। हमें कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिलाई करने वाले जानते होंगे कि कितनी परेशानी होती है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।